लवंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, ये गाना सुपरस्टार सिंगर रितेश पांडे का बहुत ही तेजी से वायरल हुआ। इतना ज्यादा इस गाने को पसंद किया गया है कि 200 मिलियन का आंकड़ा व्यूज के मामले में इस गाने ने पार कर लिया है। और इस बात की खुशी इस वक्त इस गाने को रिलीज करने वाली म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड मना रही है। यही वजह है कि इस कंपनी के ओनर मिस्टर रत्नाकर कुमार जी ने इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। हालांकि उल्टी दिख रही है तस्वीर, पर किया भी क्या जा सकता है। इस तस्वीर को रत्नाकर कुमार जी ने शेयर किया है और आपको बताएं कि लवंडिया लंदन से लाएंगे गाने को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, इस वजह से क्योंकि ये डीजे स्टाइल का गाना था। हर कोई इस गाने को बजाकर डांस कर रहा है, हर किसी की जुबान पर ये गाना चढ़ गया। स्पेशली रितेश पांडे का अंदाज, उनकी आवाज, उनकी डांस स्टाइल बहुत ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों 200 मिलियन का आंकड़ा पार करना कोई आसान बात नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है। एक मिलियन के लिए तरसते हैं लोग, लेकिन 200 मिलियन समझ सकते हैं कितना प्यार इस गाने को दिया गया। आपको बताएं कि R.S. प्रीतन ने इस गाने को लिखा, हेलो कॉम के म्यूजिक कंपोजर आशीष वर्मा ने भी इस गाने को बनाया, बादल खान ने अरेंज किया और लोकेश विश्वकर्मा ने डायरेक्शन किया है इस गाने का। साथ ही साथ कोरियोग्राफर की है लक्की विश्वकर्मा ने, DOP हैं लोकेश विश्वकर्मा, धर्मेंद्र भी हैं, ये DOP हैं। रत्नाकर कुमार जी इस चैनल के मालिक हैं, वर्ल्ड वाइड म्यूजिक के मालिक हैं रत्नाकर कुमार जी, और हर एक स्टार और सुपरस्टार के साथ अक्सर ही गाने और कई फिल्मों का भी निर्माण करते रहते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत बड़े कंपनी के रूप में वर्ल्ड वाइड म्यूजिक उभर कर आई है और एक नए पुराने सिंगर को मौका भी देती है। और आज की तारीख में इस म्यूजिक ने कईयों को स्टार भी बना दिया है। कई ऐसे नाम हम आपको बता सकते हैं जो बड़े ही तेजी से इस कंपनी के जरिए ही वायरल हुए हैं। फिलहाल रितेश पांडे एंड टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और आप किस तरीके से उन्हें बधाई देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।